अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका और विकास आपका अपने चैनल का फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग अभी ने पिछली वीडियो में M1, M2 और M2R4 के क्वेश्चन के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ फायरवॉल M2R4? इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर में आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हमने सब सब बता दिया है इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको, अगर आपको मिलता है तो कैसे आपको लिखना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा ये। तो चलिए कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं तो उसको समझ लेते हैं पहले। फायरवॉल को निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है आपका, फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि अनऑथराइज यूजर तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। नंबर दो देखते हैं, फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है। नंबर तीन, फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फ़िल्टर की तरह कार्य करता है जो हार्मफुल इंफॉर्मेशन को रोक देता है। नंबर चार, इसमें फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क पर इंटरनेट के मध्य स्थापित किया जाता है और जितना भी इन दोनों के मध्य डेटा का कम्युनिकेशन होता है वह फायरवॉल से होकर गुजरता है। यह एक दीवार की तरह कार्य करता है जो कि आग रूपी अंश से वह और हार्मफुल डेटा से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपके लिए कुछ चार पॉइंट थे। तो इसी संदर्भ में आगे देख लेते हैं किस प्रकार से। पॉइंट नंबर फाइव, फायरवॉल उसी ट्रैफिक को अपने से गुजरने देता है जो उसकी पॉलिसी के अनुसार सही हो। नंबर छः, फायरवॉल किसी भी प्रकार के अटैक के लिए एक बैरियर की तरह कार्य करता है जिससे हैकर नेटवर्क को हैक नहीं कर पाते हैं और जिससे हमारी सारी महत्वपूर्ण सूचना चोरी हो जाने से बच जाती है। तो ये सातों पॉइंट देखते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने सिस्टम से इंटरनेट में एक्सेस करता है और उसको अवश्य ही फायरवॉल को स्थापित करना चाहिए। तो ये कुछ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फायरवॉल के संदर्भ में। तो और देख लेते हैं डिटेल में, टाइप ऑफ फायरवॉल इन हिंदी। तो कुछ फायरवॉल के प्रकार दिए गए हैं। फायरवॉल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पैकेट फायरवॉल है। तो पैकेट फायरवॉल के बारे में देखेंगे। यह फायरवॉल OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर में कार्य करता है। यह फायरवॉल अंदर आने वाले तथा बाहर आने वाले पैकेटों को एनालाइज करता है तथा यह केवल उन्हीं पैकेटों को अपने से गुजरने देता है जो फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार सही हो। नंबर दो है इसमें पॉइंट, प्रत्येक पैकेट की यह फायरवॉल जाँच करता है तब निर्णय लेता है कि यह पैकेट आगे देना चाहिए या नहीं। यह लोकल नेटवर्क को घुसपैठ से बचाता है। तो यह था आपका पैकेट फिल्टर नेटवर्क। दूसरा देखते हैं, पैकेट फिल्टर नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। स्टेटलेस पैकेट फिल्टर, इस फायरवॉल में पैकेट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार के फायरवॉल को स्टैटिक फायरवॉल कहते हैं। ये फायरवॉल इतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो यह था आपका स्टेटलेस पैकेट फिल्टर। स्टेटफुल पैकेट फिल्टर, यह आपका दूसरा है इसी में। यह फायरवॉल पैकेट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, इसे डायनेमिक फायरवॉल भी कहते हैं। ये फायरवॉल अधिक सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी संदर्भ में दूसरा पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। तो इसे एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। यह फायरवॉल एप्लीकेशन की सूचना के आधार पर पैकेट को अपने से गुजरने देता है या पैकेट को रोक देता है। एप्लीकेशन की सूचना पैकेट में उपलब्ध रहती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है जो कि एप्लीकेशन को प्रॉक्सी उपलब्ध करता है। तो इसी संदर्भ में आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, सर्किट लेवल। तो तीसरा पॉइंट इसमें है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। यह फायरवॉल OSI मॉडल के सेशन लेयर में कार्य करता है। यह फायरवॉल TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी को उपलब्ध कराता है। यह फायरवॉल TCP या UDP में प्रत्येक पैकेट को एनालाइज करता है तथा फायरवॉल पॉलिसी के अनुसार यह पैकेट पर एक्शन लेता है। तो ये था आपका हिंदी वर्जन में
आप देख सकते हैं इसी का हिंदी में, इंग्लिश में जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो कैसे लिख सकते हैं इसमें। तो व्हाट इज़ ए फायरवॉल, ये फायरवॉल इसको फटाफट हम पढ़ देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ए फायरवॉल इज ए फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। यू कैन इम्प्लीमेंट ए फायरवॉल इन आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर्म और ए कॉम्बिनेशन और बोथ। फायरवॉल प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर फ्रॉम एसेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट स्पेशली इंटरनेट्स। ऑल मैसेजेस इंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट एग्जाम्पल द लोकल एरिया नेटवर्क टू विच यू आर कनेक्टेड मस्ट पास थ्रो द फायरवॉल विच एग्जामिनाइज द ईच मैसेजेस एंड ब्लॉक दोस डैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। इसमें जरा नोट लिख लें, इन प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन ए फायरवॉल इज कंसिडर्ड ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट कैन नॉट हाउ एवर बी कंसिडर्ड द ओनली सच इन लाइन। फायरवॉल आर जनरली डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक एंड कनेक्शन एंड देयर फोर डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑथेंटिकेट इंडिविजुअल यूजर वैन डिटरमाइंड हु कैन एक्सेस ए पार्टिकुलर कंप्यूटर और नेटवर्क। सेवरल टाइप्स ऑफ फायरवॉल एग्जिट, देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं, वही चीज़ है। पैकेट फिल्टरिंग द सिस्टम एग्जामिनाइज ईच पैकेट एंटरिंग और लीविंग द नेटवर्क एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड रूल। पैकेट फिल्टरिंग इज फेयरली इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट टू यूजर बट इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर। इन एडिशन इट इज़ सस्पेक्टेबल टू आईपी स्पूफिंग। उसके बाद है आपका सर्किट लेवल गेटवे, तो अब देख लेते हैं सर्किट लेवल गेटवे। द प्रोसेस अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हेन ए टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। वंस द कनेक्शन हैज़ बीन मेड पैकेट कैन फ्लो बिटवीन द होस्ट विदाउट फर्दर चेकिंग एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी सर्वर। ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए टाइप ऑफ गेटवे डेट हाइड द ट्रू नेटवर्क एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर कनेक्शन थ्रू इट। ए प्रॉक्सी सर्वर कनेक्ट टू द इंटरनेट मेक द रिक्वेस्ट फॉर पेजेस कनेक्शन टू सर्वर एक्सेट्रा एंड रिसीव्स द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्यूटर बिहाइंड इट। द फायरवॉल कैपेबिलिटीज लाई इन द फैक्ट डैट ए प्रॉक्सी कैन बी कॉन्फिगर्ड टू अलाउ ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक टू पास, एग्जाम्पल HTTP फाइल और वेब फाइल। ए प्रॉक्सी सर्वर हैज़ द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ स्लोइंग नेटवर्क परफॉर्मेंस सिंस इट हैज़ टू एक्टिवली एनालाइज द मैनिपुलेट ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट। उसके बाद देखते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इज ए हार्डवेयर एप्लीकेशन सर्वर प्लग इन और सेम अदर सॉफ्टवेयर फिल्टर डेट अप्लाइज ए सेट ऑफ रूल टू ए HTTP कन्वर्सेशन सच एज आर जनरली कस्टमाइज टू द एप्लीकेशन सो दैट मैनी अटैक्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ब्लॉक। इन प्रैक्टिस मैनी फायरवॉल यूज टू और मोर ऑफ दिस टेक्निक इज कंसर्ड। इन विंडोज एंड मैक OS फायरवॉल्स आर बिल्ड इन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। द थर्ड पार्टी फायरवॉल पैकेज ऑल्सो एग्जिट सच एज जोन एलॉर नॉर्थन पर्सनल फायरवॉल टिनी ब्लैक आइस प्रोटेक्शन एंड मैक एफ ए पर्सनल फायरवॉल। मैनी ऑफ दिस ऑफर फ्री वर्जन और ट्रायल ऑफ देयर कमर्शियल वर्जन। इन एडिशनल मैनी होम एंड स्मॉल ऑफिस ब्रॉडबैंड राउटर्स हैव रूडिमेंट्री फायरवॉल कैपेबिलिटीज बिल्ड इन दिस टेंड टू बी सिंपली पोर्ट प्रोटोकॉल फिल्टर ऑल्दो मॉडल विद मच फाइनर कंट्रोल आर अवेलेबल। तो ये था आपका फायरवॉल, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये आपको मैंने सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, इसको आप लोग समझने के लिए पूरी वीडियो देखें और अपने आप इसको समझ सकते हैं पढ़ने के बाद। तो ऐसा करता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो हम लोग अलग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।